हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सोनिका लाइफ में आपका स्वागत करती हूँ। और गाइस, मॉर्निंग हो गई है और मेरा आज नाश्ता भी कर लिया, क्योंकि कोमल आ जाती है, उसको उसका मतलब टाइम का कोई पता नहीं होता। मतलब उसको कितनी बार बोला है, क्या तो कभी बहुत लेट आएगी या कभी जल्दी आ जाएगी, तो उसके आने से पहले मैंने नाश्ता कर लिया। क्योंकि मेरे को चाय जो पीना है ना मुझे, मतलब कि मैं चाहती हूँ मतलब कि बस सुकून हो और मैं बैठी हूँ। तो गाइज, कल 1 घंटा मुझे फ़ोन ठीक कराने में लगा, तो इसलिए मैंने ब्लॉग का एंड कर दिया था कि दोबारा हो ही नहीं सकता था कंटिन्यू करना। और तो फ़ोन ठीक करवा के ले आई हूँ, बट अभी सो है, काम चलाना पड़ेगा इस फ़ोन से मुझे। दूसरा फ़ोन लेना है, थोड़ा टाइम लगा के लूँगी अभी। और अभी ना मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, तो इसमें मेरे ना यहाँ पे जो पावर के प्लग होते हैं ना, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे प्लग लगाओ ना, तो उस वहाँ से धुआं निकलने लग रहा है और प्लग चिपका रह जाता है, तो वो थोड़ा मेरे को डर लग रहा था। अभी चल रहा है काम, बट ऐसे रिस्क की काम नहीं करती मैं, तो मैंने उसको इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, कल ही बुलाया था, पर वो कल पूरा दिन हो गया था, नहीं आया था। तो अब दोबारा फ़ोन किया है उसको, तो वो अब आ रहा है, तो वो अभी सामान लेने गया है। फिर कोमल आ जाएगी, क्योंकि आज मशीन लगानी है। ये उखड़ गया है, मतलब ख़राब हो गया है, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था। इसमें प्लग भी चिपक रहा है और कोमल ने आके मशीन लगानी है, कपड़े धुलने हैं आज। और एक प्लग मेरा ये भी ख़राब हुआ हुआ है, तो इसको भी ठीक कराना है। तो ये जल रहा है ना अंदर से, आज धुआं भी निकल रहा था इसके अंदर से, मेल्ट हो गया। तो कल कर जाता काम ना, तो आज मेरे को दिक्कत नहीं होती। अब सुबह सुबह मशीन लगानी होती है, उसने वो आती चल कहेगी एक दो और खटके वो भी ठीक कर दे भाई। ये बोल के तो मैं सामान वगैरह होता तो लेता हुआ था ना, तेरे को बोला तो है वाला खटका, और ये तो तेरे ले आया, देख लिया था। हाँ, तो एक और पावर का वो मेरे को याद आ गया, मंदिर का है, क्योंकि अभी आगे जरूरत पड़ेगी ना मंदिर में भी। वैसे तो बहुत सारे यहाँ पे, पर सारे ना खराब हो रहे हैं जल्दी जल्दी, तो अभी वो ठीक, तो अभी वो ठीक कर ले। तो फिर पानी नहीं है क्या? कपड़े भी धुल रहे हैं, बस फटाफट काम हो जाए। तो काम हो चुका है घर का, और मैडम आके कपड़े वपड़े धो के चली गई हैं आराम से, सफाई वफाई हो चुकी है घर की। और इलेक्ट्रिशियन का क्या था ना, कि मतलब कि जो प्लग करवाना था ठीक, वो कर गया है। और लगे हाथ मैंने जो मेरा माइक्रोवेव में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम लगी थी, प्रॉब्लम क्या लगी थी यार, कि ये कम से कम 2-3 महीने से मैंने अपना माइक्रोवेव बंद कर रखा है, कि इसको ठीक कराना था। क्या हुआ था कि कोमल कुछ गर्म करी थी, मैंने उसको कुछ गर्म करने के लिए बोला, तो उसमें से धुआं निकलने लग गया था। अब वो धुआं मुझे नहीं समझ आया किस वजह से निकला, क्या हुआ, पर आज जब इलेक्ट्रिशियन को दिखाया उसको, तो वो कह रहा है सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है आपका माइक्रोवेव। और मैंने 3-4 महीने से उसको यूज़ ही नहीं करा, 2-3 महीने जो भी यूज़ ही नहीं करा। और हस्बैंड को रोज़ बोलती थी कि तुम जब भी टाइम मिले इसको एक बार चेक कर लो, मुझे लग नहीं रहा है कुछ, या तो फिर तार वार का कुछ उसका प्रॉब्लम हो रहा है, तार निकल जाती है कभी, या कुछ तार जल गई होगी अंदर से, तो हल्का छोटा मोटा मुझे लग रहा था काम है, वो भी नहीं निकला। चलो मतलब ये है कि उसकी प्लग लगवाने के चक्कर में मेरा माइक्रोवेव ठीक निकल गया। और मैं भी नहा ली हूँ, काम वाम निपट गया। उस बीच में पापा आए थे आज, पर वो आए थे थोड़ी देर के लिए, तो और उस टाइम वो अपनी कुछ बातें ले, ऐसी बातें होती है जो मैं मतलब पापा आते तो मैं ये दिमाग नहीं चलता कि यार वीडियो बना, नहीं उनकी अपनी एक आती है, अगर मेरे पास अगर आए पापा तो अगर 15 मिनट में सोचे तो मैं उनको ही सुन लूँ। वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता जब मैं पापा बैठे होते हैं पास में, और बहुत मुश्किल होता है कि वो बोल रहे हो और हम ये वीडियो बनाना शुरू, नहीं हो ही नहीं सकता। जब ये सब जने होंगे या मम्मी होंगी ना साथ में होंगे, तब मैं शायद बना लूँ, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो काम निपट गया, अभी मैं सोच रही हूँ नीचे जाऊँ और मुझे कुछ सामान लाना है। और अभी मेरा मन कर रहा था कि मैं सिस्टर के पास भी चली जाऊँ थोड़ी देर के लिए, बाहर के संग खेल के फिर आ जाऊँ, क्योंकि तो अभी मेरे पास बहुत टाइम है, शाम होने में भी काफ़ी टाइम है। तो हस्बैंड आ जाएंगे, और आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि शाम का व्लॉग भी बनाऊँ मैं मंदिर जाने का। क्या होता है ना कि ये मेरी सोच है, पर्सनली मेरी सोच है कि पूजा जब करते हैं मतलब कि, तो मेरे को थोड़ा अजीब लगता है कि यार हम पूजा करने गए, सच्चे दिल से करने गए, मतलब उस टाइम पे मैं कैमरा खोल के वीडियो बनाना, ये थोड़ा मुझे और लगता है। और कैसे करें, हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ पूजा करते हैं, तो कौन बनाएगा वीडियो, कौन बनाएगा, ये भी सोचती रहती हूँ। तो आज पूजा करते वक्त तो नहीं, पर हाँ मंदिर जाते वक्त का और हस्बैंड के साथ का ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी।
तो ये रहा इवान, और मैं इवान के संग खेलने के लिए आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए। चलो मेरा बच्चा, अब मेरे ब्लॉग में इवान ना आए तो कैसे चलेगा। इवान तो आएगा, इवान तो आएगा। और देखो केश लंगोटी में लेता हुआ, ये लेता हुआ। आज की मम्मी ने इसको लंगोटी बना रखी है ताकि थोड़ा आराम पड़े। ओ क्या हुआ, क्या हुआ बेटे को, क्या हुआ? ये अंधेरा क्यों कर रखा घर में? इवान का वो मासी आई है खेलने के लिए, मासी खेलने के लिए आई है बाबू के संग। अरे मेरा बच्चा का हुआ, का हुआ? हाँ सही करे लंगोटी में, तू करती है ना इसको थोड़ा सा हाथ पर मारेगा, ये हाथ पर चलते नहीं, वो तो लंगोटी पे खा दिया मैंने थोड़े टाइम। सही करा, सही करा, हगीस में ज्यादा देर रखना भी नहीं चाहिए। का हुआ बेटे को, का हुआ? और मेरे बच्चा गोद में आएगा, रुक जा। वो तो बना रही, देखो इवान, देखो इवान, इवान बात कर लो, बोलो हेलो फ्रेंड, बोलो, बोल दे हेलो फ्रेंड। माशी का चैनल सब्सक्राइब करो। अरे मेरा बच्चा, हाँ अब तुम तो आ नहीं सकते हो। हाँ मैंने सोचा मैं ही खेल लूँ बाबू के संग जाके, अब तुम तो आ नहीं सकते ना हमारे घर पे, अभी तो आप बहुत छोटे हो, है ना, है ना? ये फोन को कैसे देख रहा है ये? कैमरे को देख के कितना खुश हो रहा है ये देख, ये ले, ये लो, ये लो, ऊपर का देख रहे हो बाबू, ये रहा। हाँ फोटो सेशन करवाने का शौक हो रखा है इसको, और कुछ नहीं है। तो घर की पूजा हो गई है और हस्बैंड आ गए हैं। बैठे कैसे हो, सीधे बैठो। तो और हम लोग अभी मंदिर जाएंगे, चले वेट करना है। तो थोड़ा सा मंदिर का क्लिप बनाएंगे आज, है मैंने बोला है आज मैंने मंदिर का क्लिप बनाएंगे, तो चलो मंदिर चलते हैं। थके हुए आते ना तो ज़्यादा जुबान चलती नहीं है, पर वैसे जुबान बहुत चलती है, मैं संडे के दिन दिखा दूँगी। तो हम ना मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और बस मंदिर का ना बाहर से मैं आपको दिखाऊंगी व्यू। पूजा करते वक्त नहीं बना पाएंगे ना हम लोग, वैसे बना तो खड़ा नहीं ना, तो फिर वो थोड़ी ना फायदा होगा। अरे मंदिर दिखा देंगे। कुछ कहना चाहोगे, मंदिर कितने साल से जा रहे हो बता दो। हमें 5 साल हो गए मंदिर जाते जाते। 5 साल से हम लोग मंदिर जा रहे हैं, तो हम जाते हैं शनि मंदिर। तो वहाँ पे से दिया जलाते हैं, पीपल के पेड़ पे दिया जलाते हैं, और ये हर शनिवार हम लोग करते हैं। Thank you.
तो गाइज हम मंदिर से होकर आ गए हैं, जितना दिखा सकते थे वहाँ का व्यू तो आपको दिखा दिया है, और अब हो रही है खाना बनाने की तैयारी। तो हस्बैंड जो होते हैं ना, मतलब कि थके हुए आते हैं थोड़ा सा, तो उनका मतलब मैंने बोला बहुत उदास उदास से बैठे हुए, क्या बात है, तो कह रहे मतलब मतलब कि बहुत देर, एक घंटे का सफ़र होता है तुम्हारा, है ना, एक घंटे का, मतलब कि वहाँ से आना तो थोड़ा सा थकावट हो जाती है, मैंने आते ही वीडियो लेके खड़ी हो गई, तो मतलब फ़ोन लेके खड़ी हो गई, तो और फिर मंदिर जाना होता है। तो और सबसे बड़ी बात है तो खाना मैं नहीं बना रही हूँ मैं दिखा देती हूँ, बताऊँगी ना, मटर के चावल बना रहे हैं, तो आज खाना ना हस्बैंड बना रहे हैं, क्योंकि मेरे हाथ से ना दो तीन दिन पहले ना मटर के चावल थोड़े सही नहीं बन रहे, तो उन्होंने बोला मैं ही बना दूंगा मटर के चावल। हेलो मटर मटर ये मटर नहीं टमाटर, मैं कह रहा हूँ मटर मटर है टमाटर। तो ये मटर के चावल बनाने जा रहे हैं, तो अभी कंटिन्यू करो, तो खाना बना रहे हैं, मटर निकाल के लाओ। हाँ ला रहे, तो चलो फिर इसका ब्लॉग का। तो गाइज हमने आज मंदिर दिखा दिया आपको तो अब ये खाना बनाने की तैयारी हो रही, तो गाइज थक चुके हैं, तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखेंगे, जो मैंने कहा था वो मैंने पूरा किया कि आज मंदिर का भी आपको दिखाऊंगी। तो गाइज मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तो वही बात, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, तो बाय।